उन्नत व्यक्तित्व और समाकलित जीवन का महत्व। सामान्य अर्थ में सदैव प्रसन्न चित्त तथा प्रफुल्ल रहना व्यक्ति के उन्नत व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसा व्यक्तित्व प्रसन्नता बिखेरता है और दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। उन्नत व्यक्तित्व संतुलन, हर्ष, शांति, ऊर्जा, जन उन्मुखता, विनम्रता और उत्साह से भरा होता है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे। वे सदैव आनंदित, समाकलित और सही दिशा में उन्मुख थे। आइए अब हम एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व की कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं की चर्चा करते हैं। नंबर 1, विश्वास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार श्रद्धा, श्रद्धा अपने आप पर, श्रद्धा परमात्मा में, श्रद्धा यही महानता का एकमात्र रहस्य है। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्मश्रद्धा के बल से अपने पैरों पर आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। जो स्वयं पर विश्वास करते हैं उनका व्यक्तित्व उच्च कोटि का होता है। विश्वास हमें आशा और साहस देता है। विश्वास किसी भी कार्य को करने की पहली सीढ़ी है। एक गांव भीषण सूखे की चपेट में आ गया। एक सुबह गांव के लोग पुराने मंदिर के सामने बैठे एक साधु के पास गए और उनसे जल देवता वरुण से प्रार्थना करने की विनती की। साधु ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर प्रार्थना करूंगा। तुम सबको अगाध श्रद्धा रखनी होगी कि वर्षा होगी। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सभी गांव वाले एक स्वर में चिल्ला उठे, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। साधु ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा और आप सभी को कल सुबह जल देवता का स्वागत करने के लिए इस मंदिर के सामने एकत्रित होना होगा। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के सामने एकत्रित हो गया। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, अच्छा, तुम्हें बारिश चाहिए? आप में से कोई भी विश्वास नहीं करता? कोई नहीं, कोई नहीं। साधु की इस बात से गांव वाले सहम गए। एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए साधु ने कहा, सिवाय इस छोटे बच्चे के तुम लोगों में से किसी ने भी छाता नहीं लाया। गांव वालों की दृष्टि बच्चे पर पड़ी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, इस बच्चे को मुझ पर और मेरी बातों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए छाता ले आया है। बालक को पूरा विश्वास था कि साधु अपनी प्रार्थना से वर्षा लाएंगे। विश्वास किसी विचार के प्रति मात्र बौद्धिक स्वीकृति नहीं है। विश्वास अंततः कार्य में प्रकट होता है। यह केवल बात करना या अंगीकार करना नहीं, बल्कि उस पर खरा उतरना है। यही विश्वास है और यही सचमुच में एक उन्नत व्यक्तित्व बनाता है। नंबर 2, सकारात्मक सोच। व्यक्तित्व के विकास के लिए सकारात्मक होना आवश्यक है। जीवन के उज्जवल पक्ष को देखते हुए कुशलता से समस्याओं को अवसरों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते हैं, डू नॉट टेक योर फेलियर टू द हार्ट एंड सक्सेस टू द हेड। आइए इस पर विचार करें। एक महान वैज्ञानिक एक नई तकनीक के साथ प्रयोग कर रहा था और बार बार अपने प्रयास में असफल हो रहा था। लगभग सैकड़ों प्रयासों के बाद अंत में वह आविष्कार करने में सफल हो ही गए। जिसने उन्हें संघर्ष करते हुए और सफल होते देखा था, उत्सुकता ने उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप बार बार असफलताओं से निराश नहीं हुए? आप कितनी बार असफल हुए? वैज्ञानिक ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं उन 99 विधियों को जानता हूँ जिनमें वह आविष्कार नहीं किया जा सकता था। वास्तव में उन्नत व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा सकारात्मक होते हैं, इसलिए वे प्रसन्नचित और तनाव मुक्त रहते हैं। नंबर 3, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण। इसका अर्थ है शरीर अर्थात इंद्रियों
और मन अर्थात सभी विचारों भावना और इच्छाओं को नियंत्रित करना। एक उन्नत व्यक्तित्व अत्यधिक अनुशासित संगठित होता है। आत्म अनुशासन के कारण व्यक्ति आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास से भरा होता है। जैसे कछुआ अपने पैरों और सिर को खोल के अंदर दबा लेता है और यदि हम उसको मारने का तथा उसके टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास करें फिर भी वह पैरों और सिर को बाहर नहीं निकालेगा, वैसे ही जिस व्यक्ति ने भावनाओं और अंगों पर नियंत्रण कर अपने आप को अपरिवर्तनीय रूप से स्थापित किया है वह अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करता है और कोई उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध बाहर नहीं खींच सकता। ऐसा व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहता है, वह कोई बुराई नहीं कर सकता, उसे किसी भी के संग में रख ले उसे कोई भय नहीं होगा। चौथा, लोगों के अनुकूल। व्यक्ति को लोगों के साथ दृढ़ और सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए लोगों के अनुकूल अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रेषित करना चाहिए। कोई वास्तव में लोगों के अनुकूल तभी हो सकता है जब वह निस्वार्थ हो। लेकिन क्या आज इस भौतिक संसार में कोई निस्वार्थी हो सकता है? इसके बारे में भविष्यवाणी करते हुए 100 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था, निस्वार्थता अधिक लाभदायी होती है, केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अधिक लाभकारी है। प्रेम, सत्य और निस्वार्थता न केवल वाक्पटुता के नैतिक अलंकार हैं बल्कि वे हमारे सर्वोच्च आदर्श का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति का प्रकटीकरण निहित है। एक निस्वार्थ व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहता है, वह स्वयं की परवाह नहीं करता, वह आत्म महत्व की भावना से मुक्त होता है। आइए हम इस दंत कथा पर विचार करें। एक महिला पहले लगभग आधे घंटे तक एक प्रसिद्ध लेखक से बात करती है और बाद में उस महिला ने कुछ समय के लिए एक महान नीति उपदेशक के साथ बातचीत की। उस महिला की एक सहेली ने उससे पूछा, आप प्रसिद्ध लेखक से बात कर रही थी और फिर राजनेता से, आपने दोनों के बीच क्या अंतर देखा? महिला ने हंसते हुए कहा, जब मैं लेखक से बात कर रही थी तब उन्होंने मुझे अनुभव कराया कि वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मैं स्टेट्समैन से बात कर रही थी तब उन्होंने मुझे अनुभव कराया कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। जिन लोगों का व्यक्तित्व उन्नत होता है उनमें मिथ्या अहंकार नहीं होता, उनके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि दूसरों को प्रसन्न रखने में ही वास्तविक आनंद है। एक संस्कृत कहावत कहती है, संतोषम जनयेत प्रज्ञा तदेव ईश्वर पूजनम। दूसरों को आनंद प्रदान करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। नंबर 5, विचारों का आदान प्रदान या संवाद। उन्नत व्यक्तित्व वाले लोग संवाद या वाक्पटुता में निपुण होते हैं। वे विचारों को व्यक्त करने के लिए संवाद करते हैं, ना कि प्रभावित करने के लिए। वे अपने विचारों और शब्दों में बहुत स्पष्ट हैं। वे जो कहते हैं उसे आचरण में लाते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं जैसा बोलते हैं। यह उन्हें और अधिक सराहनीय बनाता है। वे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि घनिष्ठता और स्पष्टता शब्द विपरीत शब्द नहीं है। वे जानते हैं कि स्पष्टवादी व्यक्ति में लोगों की बात सुनने की अद्भुत क्षमता और धैर्य होता है। वे न केवल बोले गए शब्दों को बल्कि अनकहे शब्दों को भी सुन सकते हैं। यह उन्हें वास्तव में सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। नंबर 6, सहायक दृष्टिकोण। कहा जाता है कि इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, पहले जो जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद लाते हैं, दूसरे जिनके चले जाने के बाद आनंद मिलता है। उन्नत व्यक्तित्व पहले प्रकार के होते हैं, वे कठिन परिस्थिति में दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब कोई उदास हो तो सकारात्मक लोग उसकी उदासी को भुलाने के लिए हंसाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग हंसना भूल जाते हैं। वे जानते हैं कि हास्य जीवन के पहियों के लिए स्नेह के समान है, जिसके बिना अधिक कोलाहल और अधिक घर्षण होता है। निष्कर्ष, विवेकानंद के अनुसार मनुष्य केवल मनुष्य भर चाहिए। एक मनुष्य को तभी मनुष्य कहा जा सकता है जब वह श्रद्धा,
आत्म अनुशासन निस्वार्थता से ओतप्रोत हो तथा जीवन के प्रति प्रफुल्लित और उन्नत दृष्टिकोण रखता हूँ। ऐसे व्यक्ति का ही उन्नत व्यक्तित्व होता है। उन्नत व्यक्तित्व के उपर्युक्त वर्णित लक्षण वास्तव में तभी संभव है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो।